एक्शन मूवमेंट फोटो वीडियो ले रहे हैं लोग थोड़ा एक्टिविटी में और बाद में जब मेन सिग्नल भेजते हैं तो फिर ये भी हम लोग को सीधा तरीके से दिखाते हैं और ये मैम ये 3D प्रोजेक्टर है मतलब फोन के यूज से जो है मैं वीडियो यूज करके इसको देख सकती हूँ मतलब प्रोजेक्टर टाइप का हमारा भी फोटो ले लेते हैं कितना का है थैंक यू Based on a pascal, when we give force from here, it will go outside. And when we get our force return, it will go outside. Same side happens in this side. Sorry, ma'am. This is independent. This is independent. क्या है आपका प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक क्या है प्रोजेक्ट में इसका इसके बारे में गुड मॉर्निंग आई एम दिव्यांश ऑफ क्लास 5 मी इज हियर टू प्रेजेंट यू अ मॉडल ऑफ सोलर एनर्जी रिसोर्स हमारा क्या है प्रोजेक्ट पावर सर पावर है साधना ली है सॉक्स का ही है।
you? Yes, sir. What is this? This is solar system. Chalo, achhe se bolo. Where is your touch? एक बार करके दिखाओ सर 10 to 20 एक भैया प्रोजेक्ट है 2 5 10 7 to 48 आकांक्षा हमारा प्रतीक स्टूडेंट जो है सो अतुल क्या है आपका दिलिया का है सर अंडर कंस्ट्रक्शन गया संडे मैं बता सर उसका ही खराब हो गया ये क्या है लंदन ब्रिज है क्या यस सर गलती से खराब हो गया आप ठीक कर दीजिए सर ये हाइड्रोलिक वर्क दो ना एक बार तो भाड़ा पर ले जाना है क्या रेट रहेगा 800 रुपये मार्केट चलता है सर पर आवर उसके बाद भी जाएंगे क्या हाइड्रोपोनिक फार्मिंग एक तरह का फार्मिंग है जिसको बिना सोइल के किया जाता है जो भी न्यूट्रिएंट्स सोइल से चाहिए होते हैं उसको पानी में ऐड कर देते हैं डिफरेंट सोर्सेस से जैसे कि फिश एक्सट्रैक्शन उससे प्लांट को सोइल भी मिल जाता है और वाटर सोइल पानी सोख लेता है तो पानी भी नहीं सूखेगा तो जितना पानी है वो यहाँ पे कंजर्व हो गया फिर इसमें दोबारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऐड करके फिर प्लांट्स में डाल दिया जा सकता है और ये एक आइसोलेटेड रूम में होता है जिसके वजह से क्या है जो पेस्ट का प्रॉब्लम होता है कीड़े मकोड़े वाला प्रॉब्लम होता है वो भी नहीं होता है और ये किसी भी सीजन कोई बैरियर नहीं है किसी भी सीजन में ग्रो किया जा सकता है और इसका मेन मोटिव है कि हम लोग का पानी भी सेव हो जा रहा है और सॉइल भी सेव हो जा रहा है और ये सर बहुत जल्दी हार्वेस्ट होता है सॉइल के बहुत अच्छा क्या बनाएंगे क्या है आप लोग का सर हम लोग यहाँ वाटर स्टोर करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से फिर यहाँ से वाटर फ्लो के टर्बाइन पे गिरता है और जब टर्बाइन पे गिरता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है यहाँ से बल्ब चलता है सर मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें क्योंकि अभी हमारा किडनी खराब हो गया है तो हम लोग को वाटर ले नहीं हो रहा है इसीलिए हम लोग अब ब्लड को लेते हैं फ्रॉम द वेट आपका हो गया है।